अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना अस्कर। दोस्तों यहां पर बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही, हम फिर भी आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। देखिए बाहर पीछे बारिश चल रही है और हम वीडियो बना रहे हैं आउटडोर। फर्स्ट टाइम जो है वो मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो रिकॉर्ड की जो तक अब तक एडिट नहीं हुई, क्योंकि बारिश की वजह से ना सोलर काम कर रहा है ना बिजली काम कर रही है। बट यहाँ पर काफ़ी लोग परेशान हैं कि 30,000 की प्राइस में तो हमने फ़ोन बता दिए थे, लेकिन 30,000 से 35,000 की प्राइस में बॉक्स पैक फ़ोन जो हैं वो कौन से हैं दोस्तों, बॉक्स पैक वाले फ़ोन। जी हाँ, और नंबरिंग के साथ बताइए। हमें लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं कि नंबरिंग के साथ बताइए कौन सा 8वें नंबर पर, कौन सा 7वें पर, कौन सा 6ठे पर। तो हमने आज फाइनली नंबरिंग ही बना दी है, तो कंप्लीट देखिएगा वीडियो को। 30,000 से 35,000 की प्राइस में टॉप 8 फोन्स हमने सिलेक्ट किए हैं, उनमें से हमारा दिल माने या ना माने लेकिन आपके लिए हमने 8 फोन सिलेक्ट कर लिए हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा, तो आपको एक नहीं काफ़ी फायदे होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज़, पबजी टेस्ट, ये सारा इंशाल्लाह टाइम पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, बारिश की आवाज़ है या कुछ और शोर वगैरह आएगा तो उससे पहले ही मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हम कोशिश करके दोस्तों आपके लिए वैसे साफ़ आवाज़ ही करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे एडिटिंग में अगर थोड़ी क्लियर हो गई तो। यहाँ पर भाई सबसे पहले हमारे पास फ़ोन है वो है ओप्पो का, ओप्पो A18, मतलब फर्स्ट नंबर बनी ये हमने सबसे आखिरी नंबर पर रखा है ओप्पो A18। ये तकरीबन 35,000 रुपये का हो गया है, तो 4GB 128GB मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद ये फ़ोन, लेकिन भाई आपकी मजबूरी को देखते हुए हमने ये फ़ोन यहाँ पर सिलेक्ट किया है। दोस्तों 4128 में 33,000 की प्राइस में डिस्काउंट करके मिल जाएगा। दोस्तों बैक से डिज़ाइन देखिए, ओप्पो A78 और A58, A38, A18 का तकरीबन सेम टू सेम यहाँ पर डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। दोस्तों को ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको। बैक डिज़ाइन तो आपको प्लास्टिक बॉडी मिलेगा, जाहिर सी बात है दो कलर्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और आप डिस्प्ले देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपको दोस्तों वही 720p वाला IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि ओप्पो ऐसा करने ही वाला है। ये सस्ती प्राइस में आ गया था 27 में, तब भी थोड़ा ओवर प्राइस था, लेकिन ओप्पो वाले ले रहे थे ओप्पो यूज़र्स। लेकिन यहाँ पर 720p वाला डिस्प्ले IPS है, यहाँ पर 90Hz का रिफ्रेश रेट तो है, बट यहाँ पर आपको नॉच टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और ये डिस्प्ले नॉर्मल है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर मीडिया के लिए G85 मिलता है, जो इस प्राइस में बिल्कुल नॉर्मल चिपसेट दिया गया है, यही एक चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का, कैमराज के हिसाब से बिल्कुल ही बेकार दिया गया दोस्तों, लेकिन ओप्पो यूज़र्स बाय करने ही वाले हैं। यहाँ पर 10W की चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी और 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है दोस्तों। तो ये फ़ोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट रखता है, यहाँ पर 8वें नंबर पर रखने की वजह यही थी ओप्पो की। हमें ये दिल से कबूल नहीं है, लेकिन लोगों के क्या करें, कह रहे हैं कि हर कंपनी का फ़ोन बताइए, नंबरिंग वाइज बताइए, 8वें नंबर पर है। उसके बाद दोस्तों वीवो का फ़ोन है, वीवो का Y18। जी हाँ भाई, इसको 7वें नंबर पर हमने रखा है। इसकी बड़ी वजह यही है कि वीवो के यूज़र्स भी पूछते रहते हैं कि भाई ये क्या करें, नया फ़ोन आया इसे बाय करें या ना करें, तो भाई हमने 7वें नंबर पर रख दिया है, जवाब लोगों को खुद ही मिल जाएगा। वीवो Y18 4128 वाला दोस्तों ये रखा है हमने इस प्राइस में, क्योंकि वो दूसरे जो है वो ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और ये 4128 वाला ज़रा कुछ कम प्राइस में, इस वजह से। यहाँ पर देखिए दोस्तों Y18 जो है 33,000 के करीब करीब आपको मिल जाएगा, 33 से 34 के करीब। और ये फ़ोन दोस्तों आपको यहाँ पर बैक साइड से डिज़ाइन वगैरह आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल्स वगैरह इस तरह का आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और डिस्प्ले आपको 6.56 इंचेस का एक 720p वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट है। ये ज़रूर दोस्तों बात ऐसी दी गई है कि 90Hz का रिफ्रेश रेट तो दे दिया गया है, लेकिन IPS पैनल है, ब्राइटनेस वगैरह ठीक मिल जाती है, लेकिन वही पुराने डिस्प्ले दोस्तों चिपकाए गए हैं। चार्जिंग आपको यहाँ पर 33W की देखने को मिल जाती है, ये चीज़ है। और 5000mAh की बैटरी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट इस फोन में देखने को मिलता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों टेक्नो का Spark 20। जी हाँ, इसको 4थे नंबर पर रखा है हमने, 8GB 256GB है ये। अब डिस्काउंट 35,000 प्राइस है, डिस्काउंट के बाद 33-32 तक आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर 8GB 256GB वाला आपको ये मिलता है। ये चीज़ें पहले 30,000 की प्राइस में इजीली मिल रहा था दोस्तों, ये 8128 वाला 30 के करीब करीब आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर 6.6 इंचेस का एक IPS पैनल मिलता है, सेंटर पंच होल वाला 720p वाला यहाँ पर डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश है, लेकिन सेंटर पंच होल है, तो फुल व्यू डिस्प्ले का एक्सपीरियंस थोड़ा मिल जाएगा दोस्तों आपको। ब्राइटनेस वगैरह ओप्पो वीवो से थोड़ी कम मिलती है, बट डिस्प्ले ठीक है दोस्तों, अच्छा मिल जाता है आपको, ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर भी फुल HD+ होनी चाहिए, हर कंपनीज को चाहिए। और प्रोसेसर जो है मीडियाटेक हेलियो G85 का मिलता है, जो कि एक नॉर्मल सभी फोन्स में दिया गया है दोस्तों। 40fps पबजी प्रोवाइड कर देगा, नॉर्मल चिपसेट है दोस्तों,
नॉर्मल यूजर्स के लिए। और यहाँ पर अगर देखिएगा दोस्तों तो आपको गेमिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हाई नहीं, नॉर्मल जैसे दूसरे फ़ोन्स में देखने को मिलती है, गुजारा करेगा बस डे टू डे यूज के लिए बस ठीक रहेगा। यहाँ पर बैक पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है, 5000 एमएएच की बैटरी, 18 वोल्ट की यहाँ पर चार्जिंग दी गई है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट माउंट किया गया है। तीसरे नंबर पर जो फ़ोन है दोस्तों वो है यहाँ पर हमने रखा है रेडमी 12। जी हाँ, ये वैसे चौथे पर जाना चाहिए था लेकिन काफ़ी लोग कहेंगे भाई ब्रांड की वजह से, लेकिन रेडमी 12 8GB 128GB वाला जो फ़ोन है वो आपको करीब करीब डिस्काउंट करके 32,000 के करीब मिल जाएगा। बॉक्स पैक की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पर रेडमी 12 का डिज़ाइन वगैरह आपको सेम टू सेम डिटो कापी आईफोन ही मिल जाएगा जैसे दूसरे में फ़ोन्स में दिया गया दोस्तों। डिस्प्ले आपको यहाँ पर फुल एचडी प्लस वाला मिल जाता है, 6.979 इंचेस का आईपीएस एलसीडी वाला सेंटर पंच होल वाला, यहाँ पर 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है तो आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा डिस्प्ले यहाँ पर, लेकिन फुल एचडी प्लस है। और डिस्प्ले का साइज़ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा पतला बनाया गया है फ़ोन के डिस्प्ले को और फ़ोन के साइज़ को, और ग्लास बैक के साथ है फ़ोन तो ये थोड़ा सा प्रीमियमनेस दे देता है दोस्तों फ़ोन को। और इसके साथ अगर देखिए मीडिया के लिए G88 का प्रोसेसर है, 40 FPS की पबजी प्रोवाइड करेगा, G85 G88 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेकिन ठीक रहेगा। यहाँ पर आपको कैमराज जो है बैक से 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है दोस्तों, ट्रिपल कैमरा, और इसके साथ फ्रंट कैमरा आपको ओनली 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। उसके साथ दोस्तों 18 वोट की चार्जिंग देखने को मिलेगी, 5000 एमएच की बैटरी और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट माउंट किया गया है। दूसरे नंबर पर फोन है दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स हॉट 40, इसको पहले नंबर पर रख रहा था कंपनी की वजह से लेकिन यहाँ पर दूसरे नंबर पर रखा, उसकी थोड़ी सी वजह है, वो आप पहला दूसरा कर सकते हैं चेंज। इन्फिनिक्स हॉट 40 8256 वाला वैसे 38,000 की प्राइस में लेकिन डिस्काउंट करके 35 तक मिल जाएगा इजीली बॉक्स पैक, और ये आपको दोस्तों एक अच्छा बैक से आईफोन जैसा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, कलर्स ऑप्शन भी आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे, डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है दोस्तों। डिस्प्ले आपको यहाँ पर 6.78 इंचेस का एक आईपीएस पैनल, सेंटर पंच होल, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है, साथ में 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है, ये चीज़ दोस्तों है। लेकिन आपको डिस्प्ले काफ़ी बड़ा मिलता है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलता है डिस्प्ले के हिसाब से, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है लेकिन ठीक है। और इसके साथ आपको कैमराज जो है बैक से वो 50 मेगापिक्सल का मिल जाता है दोस्तों, ट्रिपल कैमरा, और फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। मीडिया टेक हेलियो G88 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि 40 FPS पबजी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, नॉर्मल यूज के लिए भी अच्छा खासा रहेगा। यहाँ पर 33 वॉट की आपको चार्जिंग देखने को मिलती है, 5000 एमएएच की बैटरी है दोस्तों, और इसके साथ साथ साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। लेकिन अपडेट्स का थोड़ा सा मसला होता है, इन्फिनिक्स टेक्नो और दूसरी कंपनी में अपडेट्स इनकी थोड़ी सी स्लो आती है, देर से आती है। और पहले नंबर पर फोन है दोस्तों, ये थोड़ी कंपनी की वजह से अगर आपको लगे तो आप दूसरे नंबर पर कर सकते हैं, स्पार्क्स का नोट 20। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी महंगा मिल रहा था जैसे शुरू में आया था, लेकिन अब काफ़ी डिस्काउंट है, 38,000 की प्राइस है इसकी, 38,500 की स्पार्क्स नोट 20 की मैं बात कर रहा हूँ, 38,000 में 8256 आपको देखने को मिलता है। बैक से डिज़ाइनिंग वगैरह आपको ठीक मिलती है, कॉपी है किसी फ़ोन की, लेकिन आपको अच्छा खासा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, कलर ऑप्शंस भी देखने को मिल जाते हैं। और आपको इसके साथ साथ डिस्प्ले जो है एक एमोलेड पैनल मिलता है, जिसके लिए मैंने इसको इस पहले नंबर पर रखा, 6.67 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, कलर्स थोड़े से ज़्यादा तेज़ हैं लेकिन ये एक एमोलेड डिस्प्ले आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा दोस्तों, ठीक ठाक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा, लेकिन आपको डिस्प्ले एमोलेड मिलता है, कलर्स वगैरह ठीक मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर देखिएगा दोस्तों तो फुल व्यू का डिस्प्ले का आपको मज़ा भी मिलेगा, उसके साथ परफॉर्मेंस भी तगड़ी है। मीडियाटेक हेलियो G99 का प्रोसेसर है, इस प्राइस में किसी फ़ोन में एमोलेड के साथ नहीं मिलता दोस्तों, इस प्राइस में मीडियाटेक हेलियो G99 के साथ 40 FPS तक पबजी प्ले कर सकते हैं, लेकिन आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी नॉर्मल यूज़ में भी और गेमिंग एक्सपीरियंस में भी। इसके साथ 50 मेगापिक्सल का आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, मेन कैमरा देते यहाँ पर 2K रिकॉर्डिंग की सपोर्ट भी देखने को मिलती है, फ्रंट आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर चार्जिंग जो है वो 33 वॉट की मिलती है, 5000 एमएएच की बैटरी देखने को मिलती है, और फिंगर जो है इसके साथ वो साइड माउंटेड मिल जाता है। यहां पर यही थे दोस्तों फ़ोन्स जो हमने सेलेक्ट किए, 8 फ़ोन्स। आप नंबरिंग आप खुद भी दे सकते हैं दोस्तों अच्छे तरीके से अगर हमने नहीं दी। अगर आपको ये नंबरिंग वाला वीडियो जो है पसंद आई, इसी तरीके से बनानी चाहिए, अपने तरीके से आवाम पर छोड़ देना चाहिए, वो जैसे आप कहेंगे वैसे हम वीडियो बना लेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा हमसे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।